Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main hu Jasmine Manzoor and welcome to election 2018 ki special transmission. Nazreen, aap jante hain ki bas ab kuch hi lamhe, kuch hi din, kuch hi ghante reh gaye hain. Intikhabat ke faisle aapke samne honge. Aaj humne ibtida ki apni is election transmission ki. News One ki ye khususi transmission chalti rahegi. Aaj se iska iftita bhi hua hai. Aaj se iski ibtida bhi hui hai. To har lamhe ki khabar aapko pahunchegi. तज्जिये भी होंगे, हमें सारे जो हमारे न्यूज के एंकर्स हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हमारे सीनियर प्रोग्राम एंकर्स हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, तो बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे होंगे और पॉलिटिकल डिबेट्स भी होंगी. पॉलिटिकल डिबेट्स इस तरह की होंगी कि 2013 से 2018 का ये सफर कैसा रहा, 2013 के वो क्या मसाइल थे, 2013 में किस को शिकस्त हुई और 2018 में अब किसकी शिकस्त, किसकी जीत में तब्दील होगी. 13 से 18 तक का माहौल बहुत मुख्तलिफ है. 2013 के इंतखाबात में हर जगह से ठप्पों की आवाजें आ रही थी. जब तक 13 के इंतखाबात के रिजल्ट्स आना शुरू हुए उसके बाद हालात शहर कराची के बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे. यहां तक के पंजाब से भी ये आवाजें आ रही थी कि इंतखाबात को मैनिपुलेट किया गया है. 2013 और 2018 का फर्क ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि पहली दफा हर शहरी वोट करेगा तो आजादाना वोट करेगा और इसी की वजह से आप जानते हैं कि आर्टिकल 245 और 220 के तहत अफवाज पाकिस्तान को आईन के इस शिक के तहत ये उन्हें इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए साथ किया गया है. 3.5 लाख अफवाज जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर होगी. उसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक फोन होगा, व्हाट्सएप से पिक्चर्स ली जाएंगी उन रिजल्ट की जो टैब्यूलेट होंगे, डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाए जाएंगे और उसके बाद वो आपके सामने होंगे. तो आइए अपने कॉलीग से आपका तारुफ करा देती हूं. आप उनको जानते हैं, रोज आप उनको सुनते हैं, लेकिन इस दफा आप उनको सुनेंगे हम सबके साथ मिलके. हमारे साथ नादिया मिर्जा बैठी हुई है, नादिया नकी साहिबा बैठी हुई है और हमें ज्वाइन किया है हिना एजाज साहिबा ने. थोड़ी ही देर में हमें सीनियर हमारे एनालिस्ट अब्दुल बासित साहब भी ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम मजीद कॉल्स भी लेंगे, लेकिन डिबेट का आगाज करते हैं. नादिया मुझे ये बताएं, आपने काफी पंजाब कवर किया अभी, इससे पहले कि मैं ये सीट्स बताऊं कितनी होंगे, कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने वोटर्स हैं, आगे चल के हम बताएंगे बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग ट्रांसमिशन, क्या सूरत हाल है पंजाब में? मैं शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि आपने अच्छा जैसे शुरू में आपने जिससे जिक्र किया ना 2013 के लेक्चर, उसके बाद के जो पोस्ट सिनेरियो था जिसमें रिगिंग की आवाजें आने लगी, धांधली की आवाजें आने लगी, कराची के हालात और एवरीथिंग और फिर धरना इमरान खान का. लेकिन इस दफा एक तब्दीली ये भी है कि अभी से जो शोर उठ रहा है वो प्री पोल रिगिंग का, वो बिल्कुल कि वो इलेक्शन जो हैं वो बड़े मैनिपुलेट होने जा रहे हैं, बड़े फिक्स्ड होने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, हो चुके हैं भी आप शायद कह सकते हैं क्योंकि जिस जिसकी इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आ रही है, जितने कंट्रोल, जितने इंजीनियर नजर आ रहे हैं वो भी हमारे और आपके सामने है. हाँ, बात करेंगे थोड़ी देर एज फार एज माहौल पे. श्योर श्योर श्योर. एज फार एज द पंजाब इज कंसर्न, तो पंजाब में पीटीआई की पोजीशन एज पर माई ऑब्जर्वेशन पीटीआई की पोजीशन कंपैरेटिवली बेटर हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर हुई है 2013 से कंपैरेटिवली पोजीशन बेहतर हुई है पीटीआई की, लेकिन जो पीएमएलएन का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह इंटैक्ट है. आई विल मस्ट से मैंने कहीं नहीं देखा कि अगर हम ये कहें कि शायद 19-20 का फर्क आया हो, लेकिन जो नैरेटिव मियां साहब ने लिया था, जो नैरेटिव मरियम नवाज शरीफ ने लिया था, वो पेनिट्रेट हुआ है लोगों वोट को इज्जत दो वाला. वोट को इज्जत दो वाला, द पीपल आर वेरी अवेयर और पीपल आर आस्किंग. मतलब मैं वहां पे जाती हूँ, मैं कहती हूँ मियां साहब तो अंदर है, कहते जी हमें पता है वो क्यों अंदर है. मतलब वो पीपल डजंट नो क्या केसेस हैं, क्या चीज है. वो कहते हैं आप करवाया है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है उसने की है जिसने 70 साल के लाइफ मखलूक की है वो. तो मुझे जो मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मियां साहब को जितना भी टाइम मिला, मरियम नवाज को जितना भी टाइम मिला, वो अपना नैरेटिव जो है वो एस्टैब्लिश करने में काफी. लेकिन उसके बाद जब शहबाज शरीफ ने नैरेटिव को शहबाज शरीफ को उस लेवल पे लगता नहीं कि उनको धक्का पड़ा. ऑनेस्टली शहबाज शरीफ को उस लेवल पे अभी तक कोई कंसीडर नहीं कर रहा. दे आर स्टिल कन्विंस्ड कि हमारे जो कायद है, हमारे जो लीडर है, दैट इज नवाज शरीफ. मुझे एक बात बताएं, चले इसका मवाजना करते हैं. एक इलेक्शन के नतीजे 2013 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त ली 126 सीटें. ये मैं आपको नेशनल असेंबली की सीटें बता दी, जनरल सीटें जो हैं वो हैं 272. मैं इसलिए आपके पास आऊंगी क्योंकि इसका मवाजना आपने करना है और आपने बताना है कि इसमें बढ़ेंगी सीट्स या कम होंगी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 33 सीट्स ली 2013 में. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
ना सिर्फ सिंध में बल्कि फेडरल गवर्नमेंट में भी वो जो है उनकी हुकूमत थी, तो हुकूमत जाने के बाद करप्शन के इतने नारे उठे और ज्यादातर पीएमएलएन ने इस चीज को बहुत ज्यादा अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रखा, उनकी सीट सिर्फ 33 पर आ गई। हैरानी की बात यह है कि तरीके इंसाफ जो उस वक्त बदलाव की एक इतनी बड़ी बात कर रही थी और बड़े पैमाने पर वोटर्स निकले थे और तब्दीली के लिए निकले थे, उन्हें मिली 28 सीटें, आजाद उम्मीदवार जीते 28 और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गए नेशनल असेंबली में 2/3 अक्सरियत के साथ। अब मुझे ये बताएं नादिया, माशाल्लाह दो दो नादिया वन नादिया टू ये करो जो दिल चाहता है, दो नादिया परियां। अच्छा नादिया ये बताएं कि इन्होंने तो जो है तरीके इंसाफ के लोगों को अभी धचका दे दिया है, तो अब सवाल ये पैदा होता है 126 सीटें उस वक्त थी, अब क्या कैलकुलेशन है? अगर मैं कहूँ आप मवाजना करें 13 से 18 का, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी? 13 से 18 का मवाजना अगर हम करें, इन दो पार्टीज का करना है अभी खाली, पीएमएलएन और पीटीआई का। पंजाब में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गई, मैंने पूरा सिंध कवर किया, तो इसलिए बट व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर, व्हाट वी द सर्विस एंड ऑल, उस पर्चे को छोड़ दूं जो सर्कुलेट हुआ था। कौन सा पर्चा? एक पर्चा भी बड़ा सर्कुलेट हुआ जिसके अंदर ना पीटीआई की 70 नशिस्तें बताई गई हैं बाय द वे, लेकिन अच्छा जो सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया के ऊपर बार बार आ रहा था, ठीक है, आई डोंट नो यू नो हाउ ट्रू दैट इज, बट अ हैंड रिटन सा पर्चा है जो कि जा रहा है, बट वट एवर सेड, क्योंकि आपने कहा इंजीनियर्ड वाली बातें हम बाद में करेंगे, आई थिंक दे विल स्कोर अ लिटिल बेटर, बट पीएमएलएन का जो वोट बैंक है वो नहीं टूटा है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक टूटा है, वही पीटीआई के पास जा रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप लॉयलिस्ट वोटर्स को चेंज करते हैं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे नादिया ने कहा ना, वो कहते हैं कि जेल में, तो उनका जवाब होता है फेर क्यों होया? अच्छा फेर क्यों होया? फेर क्यों होया? अगर जेल में साजिश हो रही है, सब कुछ हो रही है, अगर आप थोड़ा सा भी बेटर करें तो मेरे ख्याल से प्रोबेबली 5 to 10% आई वुड से इनकी कमी आएगी पीएमएलएन की, बट पीटीआई की बढ़ेगी, बिकॉज वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि बहुत सारे पीएमएलएन के वो लोग जो कि इलेक्टेबल्स हैं वो पीटीआई में चले गए, और सदन पंजाब जो हमेशा नवाज शरीफ को जिताता रहा है वो भी उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड से। अच्छा एक चीज और जो कि पीटीआई को फायदा होगा, जो नई वोटर लिस्ट बनी है उसमें यूथ एड हुआ है, जो बुजुर्ग है वो निकले हैं, एग्जैक्टली जो यूथ एड हुआ है वो यूथ जो है वो फायदा देगा पीटीआई को। वो कितना है? 44%। चेक करें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ये रिपोर्ट देखी थी, जरा ये हमें थोड़े डेमोग्राफिक्स भी दें। मेरे ख्याल से 44% यूथ जो है वो वोट करने जा रही है। आपने सिंध कवर किया, मैं उस पर बात करूंगी क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बट आपने सदन पंजाब का जिक्र किया। पीटीआई कर सकता है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, वट एवर दे वर्क प्रोवाइडेड शाह महमूद कुरैशी एंड तरीन स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर, जैसे मुल्तान के जलसे में शाह महमूद से इसके जहांगीर तरीन की वजह से लोग नहीं आए, इंटरनल फाइट अगर ये अपनी कर लें, साइड पे कर दें, एंड यू नो दे बिहेव एज पीटीआई, तो देन दे स्टिल हैव अ फेयर चांस। ओके हिना एजाज साहिबा, आप सोशल फैब्रिक भी देखती हैं, सोशल जो आपके यू नो लाइक सियासतदानों के अलावा यू मूव इन अ डिफरेंट सर्कल आल्सो, हमसे थोड़ा डिफरेंट, आई डोंट नो नादिया तो शायद उस सर्कल में मूव करती होंगी, लेकिन क्या मतलब क्या मतलब है इस बात का, ये जरा ब्रेक लेने दे फिर। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में लेंगे। जो हमारा एक इंडस्ट्री है, मीडिया है, दूसरा एंटरटेनमेंट है, जिससे हमें कभी मौका नहीं मिलता बिकॉज ऑफ आवर वर्क स्केड्यूल्स, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस तरह देख रहे हैं इस तब्दीली को, अगर कोई तब्दीली आने वाली है तो? तब्दीली जहाँ पे अभी ये पूरी बात हो रही थी 2013 के इंतखाबात की, ट्रेंड बहुत बदला है, स्पेशली अगर हम अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखते हैं लाहौर, और उसमें जो आप तमाम सोशल कह लीजिए, जो सोशल साइट की बात करें, एंटरटेनमेंट की, सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द पॉलिटिकल एरिना जो लोग हैं, उनका तो कह लीजिए रुझान बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की तरफ है बिकॉज ऑफ दिस स्लोगन, और वो चेंज नज़र आता है 2013 से 18 में, और स्पेशली जो ये ट्रायल्स हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में, उनकी पूरी कह लीजिए जो माइंडसेट है वो तब्दील होती हुई नज़र आती है। बट एज नादिया नकी राइटली पॉइंटेड आउट के जो गढ़ है नून लीग के, जो उनका ऑथेंटिक पुराना ऑर्थोडॉक्स वोटर है, वो अभी भी वहीं पर कायम है, वो कहते हैं फिर की होया, वही वाली बात, उनका दिमाग नहीं चेंज हुआ। बट अगेन इस तब्दीली की वजह यह भी है कि जितनी कैंपेनिंग स्ट्रॉन्ग लाहौर खास में हुई है, उधर तो लगता है कि कोई शादी का माहौल है,
इट डज नॉट लुक लाइक एन इलेक्शन. अच्छा, किन किन दो पार्टीज में ज्यादा हो रहा है? पीटीआई, पीटीआई की सबसे ज्यादा आपको कैंपेन नजर आएगी, और उसकी वजह से नेचुरली जो अर्बन वोटर है, स्पेशली अब जो निकल के वोट करता है, जब वो अपने इर्द गिर्द ये तमाम कह लीजिए जो माहौल देखता है, उसके अंदर बड़ा जोश आता है, जज्बा आता है. छोटे बच्चे भी जो शायद 18 साल से कम है, नहीं, लेकिन ये वो भी जज्बा तो हमने बहुत देखा. लेकिन ये हमने उस वक्त 2013 में भी देखा, और मुझे वो इंसिडेंट याद है कि जब इमरान खान गिर गए थे जी, ठीक है ना, वो हाँ, वो एक बहुत ही ज्यादा पूरी आई थिंक कौम के लिए वो बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा धचका था. और उस वक्त तो मतलब है जलसे उनके वैसे ही नो डाउट भरे होते हैं. I mean, people do go to his जलसे होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर जैस्मिन, ठीक है, सोशल मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं यही बात करने लगी, क्या वो वोटर में तब्दील होगा? राइट, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट कि पिछले 5 दिन से मुल्तान ले लीजिए, जेलम ले लीजिए, एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड नजर आया. वो ये है कि टर्नआउट इन जलसों पे कम रहा, दो तीन में, बट ये पिछले 5 दिन से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखने की, रुझान थोड़ा सा दोबारा वापस पीएमएलएन की तरफ होते हुए नजर नहीं, लेकिन इस तरह तो शहबाज के भी जलसे कोई खास भरे हुए नहीं. राइट, बट जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं पीटीआई से कि जी वही भरे हुए लोग होंगे, वही सुनामी होगा, वही बस शहबाज शरीफ जो है वो कभी भी कोई मेन पुलर वो कभी भी नहीं रहे, क्राउड पुलर वो कभी भी नहीं रहे ना. Agreed. लेकिन इमरान खान के जलसे, पीटीआई के जलसे, इमरान खान हिमसेल्फ लाइक, बट दिस सिंपैथी बहुत है, सिंपैथी अभी दोबारा 5 दिन में सिंपैथी उनकी तरफ रिवर्ट होते हुए नजर. इमरान खान साहब हमेशा कोई ना कोई गलती करते हैं. जब वो पिछले 2013 में वो कराची आए थे तो जिंदा लाशें कह के उन्होंने कराची को एक वो कर दिया, अभी भी एक रीसेंटली पंजाब से यूज किया जिस पे बड़े लोग नाराज हैं, ये सब चीजें इस्तेमाल पीएमएलएन ने सीधे बंदे ऐसे ही बातें करते हैं. ये सही है, पीएमएलएन ने उसी तरह से बात की, बात देखिए, पंजाबियों को ये बोल दिया, पंजाबियों को गधा बोल दिया, मतलब आई मैड. ओहो, तो शहबाज शरीफ वाले करांची बोलने वाले, कराची जो पान खाने वाले हैं वो भी बोल के चले गए. ये छोटी छोटी बातों पे वोट होगा यार नादिया, हमें शोर देना चाहिए, ना करो. जी जी जी, आप सीरियसली, हम तो रीजन बता रहे हैं कि जो हमने ये जो हमने फील ये किया कि वहां पे इस चीज को पीएमएलएन ने कैच किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इम्पैक्ट इस वक्त जलसों में आ रहा है वहाँ के. मैं जेलम गई हूँ, मैंने वहाँ पे फवाद चौधरी का भी इंटरव्यू किया, मैंने जेलम का विजिट भी किया. स्टिल जेलम का जलसा कोई अच्छा नहीं था ज्यादा, अच्छा उसके अलावा जलसा अच्छा नहीं था. सरगोधा ठीक था, वो दैट वाज बेटर देन दीस टू, इन दोनों से बेटर. लेकिन फिर आपने करक का क्राउड नहीं देखा? वो केपी का, वो केपी का, डोंट फॉरगेट दैट इज केपी के. नो, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आप हमेशा हिस्टोरिकली एक चीज ये देख ले, केपी के वो सूबा है जिसने कभी दोबारा वो लोग इलेक्ट नहीं किए, दे ऑलवेज गो फॉर अ चेंज. लेकिन उनके जलसे ये बता रहे हैं कि दे हैव प्रोबेबली डिसाइडेड टू वोट पीटीआई in again. Very true. So, जलसे नहीं बता रहे, I personally visited. Everybody is happy with KPK government. Everyone is happy with KPK. वजह क्या है फिर? यहाँ तो पाकिस्तान में कोई अपनी डिलीवर किया है, डिलीवर किया होगा, यकीन डिलीवर किया है, यकीन डिलीवर किया है. बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस, मतलब केपीके में डिलीवर किया, द केपीके इज स्टिल विद पीटीआई एंड इमरान खान. बट वी वर टॉकिंग अबाउट द पंजाब जलसा, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है. तो वो जो तो पंजाब में तो होने वाला कांटे का मुकाबला, लेकिन एक जलसे के अंदर आई पर्सनली फील, मेरा ये अपना एनालिसिस है कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हो गई है, स्पेशली जब ये जो मरी के करीब जो उन्होंने किया था, व्हेन ही सेड, व्हेन ही सेड को थप्पड़ मारा, हां, अपने कैंडिडेट को थप्पड़ तो मारा, लेकिन बट मरी ही सेड मुझे खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं. आफ्टर दैट वी सॉ जेहलम द सेम डे, एंड देन ऑफ कोर्स वी सॉ दिस सरगोधा वाला, एंड देन मुल्तान. और उसके बाद जो अली जैदी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है स्टेज में तो थप्पड़ मारा है अपने कैंडिडेट को, जेलम से इमरान खान ने, और किस में गुस्सा जेलम से आगे बढ़ रहा था, सिर्फ द रीजन इज कि वो पहले जा रहा था, उसको यूं करके थप्पड़ मार दिया यार, क्या हो गया? या मेरी बात सुनो, यहाँ 30 साल नजर नहीं आया होगा आपको एक थप्पड़ नजर आ गया, क्या है मेरा नाम है जैस्मिन, 30 साल से चांटे पर. अभी मैं आपको गिनवाऊंगी, ये तो चल रही स्टार्टेड ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन मैं इस ट्रांसमिशन में हर पाकिस्तानी को, बाशऊर पाकिस्तानी को 2013 से पहले के हालात भी बताऊंगी, 2013 से 18 तक के भी मैं हालात आपको बताऊंगी, ताकि जब आप पाकिस्तान का फैसला करना जाएं तो अपनी होश और हवास में सोच समझकर फैसला करें. और यह भी हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट इनका आने वाली है उसके लिए कोई फूलों की सेज नहीं है, जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली मुश्किलात में फंस चुका है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, उसकी भी बात करेंगे. हमारे साथ अहमद इमरान साहब मौजूद है, हमारे एंकर हैं, इन्होंने पूरा लाहौर भी कवर किया है, इनसे जरा पूछते हैं सूरत हाल. इमरान आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद आपको मेरी आवाज आ रही है? सलाम अलैकुम.
जी जैस्मिन बिल्कुल आवाज आ रही है आपको भी सलाम, दोनों नादियाओं को भी सलाम। We can't hear him. कराची मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी जैस्मिन, जैस्मिन आपको भी सलाम, दोनों नादियाओं को भी सलाम, हिना को भी सलाम, पूरे कराची को, पाकिस्तान को सलाम। वालेकुम सलाम। दिस इज एन ऑनर। मैं वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन इलेक्शन, लेकिन आने से पहले सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज लाहौर से आपको दे दूं। बताएं। लाहौर में अभी बारिश का मौसम बना हुआ और बारिश स्टार्ट हो रही है। अच्छा। मैं आते हुए सोच रहा था कि हाउ फॉर्चुनेट आई एम कि मैं कराची में नहीं हूँ, लाहौर का मौसम एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन अब कराची का पैनल देख के मैं सोच रहा हूँ, कराची का पैनल देख के मुझे अब एहसास हो रहा है कि आई एम नॉट दैट मच फॉर्चुनेट, अगर मैं कराची में होता तो ज्यादा एंजॉय करता इस डिबेट को, डिस्कशन को। बस देख लें आपने, यू मिस्ड इट फॉर द रेन। अब आप मुझे ये बताइए, आपने लाहौर कवर किया है तो क्या सिचुएशन है, कितना कांटे का मुकाबला है, लाहौर क्या फैसला करेगा? क्योंकि खान साहब ने अपने लाहौर के लास्ट जलसे में कहा जो फैसला लाहौर करेगा वो फैसला पंजाब करेगा, जो पंजाब फैसला करेगा वही पाकिस्तान का फैसला होगा। जैस्मिन बिल्कुल सही कहा खान साहब ने, और बेसिकली अगर पाकिस्तान की सियासत का धारा देखा जाए तो वो भी कुछ ऐसा ही है। तख्त लाहौर, इसका मजाफात, जनूबी पंजाब से लेकर अटक तक की बाउंड्री, ये बेसिकली सॉइल है जो फैसला करती है कि इस्लामाबाद में कौन गवर्नमेंट करेगा। लाहौर के अंदर जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, और बड़ी शदीद किस्म की गहमा गहमी है, ऐसी गहमा गहमी ना मैंने 2013 के इलेक्शन में देखी थी और ना ही 2018 के इलेक्शन में देखी थी। मैं उस गहमा गहमी की बात कर रहा हूँ जो सड़कों के ऊपर इस तरह से है, जैसे अभी हिना ने कहा कि लाहौर में लग रहा है जैसे शहर पूरे की शादी हो रही है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई अलग सरवाला है, कोई अलग दूल्हा है, दिमाग कहीं और चला जाता है। ये नादिया ने शरारत की थी, लेकिन अच्छा आपने कहा लाहौर शहर सजा हुआ है, मतलब क्या है इस बात का? मतलब है कि बैनर्स हैं, पॉलिटिकल कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, दुल्हन की तरह सजा हुआ है ना? उन्होंने कहा ज्यादा। अच्छा मुझे खाली ये बताएं कि सजा हुआ तो है, लेकिन इस सजा ये सेहरा फिर किसके साथ में सजेगा, यही पूछ लेती हूँ आपसे। ये भी समझ ही आ रही, शादी दुल्हन सेहरा, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है ये सेहरा उस दूल्हा के सर जाएगा जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगा। अच्छा। हमने लाहौर भी कवर किया, लाहौर के अंदर जो इलेक्शन के डायनेमिक्स हैं वो अजीब, वो गरीब सा भोंडा सा रंग इख्तियार कर गए हैं। बबांगे दोहल पैसे का जोर चल रहा है, वोट्स की प्राइसेस निकाली जा रही है, इलाके लोकेलिटी, लोगों की गुर्बत, उनको उनके मारूजी हालात देखते हुए, इसी तरह से ज्यादा ये रूरल एरिया के अंदर है, वहां पे तो आई कैन स्पेल आउट कि व्हाट इज द रेट ऑफ द वोट, 3000 से लेके 5000 तक का वोट मिल रहा है, डेरे के ऊपर दिन गुजारने का रोज का 1000 रुपया दिया जा रहा है, और गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो इलेक्शन ऑफिस से, कैंडिडेट के इलेक्शन ऑफिस के साथ सारी की सारी डील करता है। और अल्टीमेटली मैंने इन सबसे पूछा कि किस तरह से आप मेजर कैसे करेंगे, लेट्स से अगर मैं गांव का एक लीडर हूं और मैंने 100 वोटों के पैसे ले लिए हैं तो हाउ वुड आई जस्टिफाई दैट? तो उन्होंने कहा कि हम उस जो गांव है उससे हमें अगर 100 वोट चाहिए होगा तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अस 100 वोट्स। एक सेकंड, ये पैसे कौन दे रहा है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज पैसे दे रही है? जैस्मिन ये वो कैंडिडेट दे रहा है जिसके पास बहुत बहुत ज्यादा इमेंस अमाउंट में मनी है, पैसा है, बेहिसाब पैसा है। नहीं तो किस इलेक्शन के अंदर किस पार्टी का एमपी? हाँ तो हर पार्टी का लीडर अल्हम्दुलिल्लाह जो है, और माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी कहानी शुरू होती है और फिर अडयाला में खत्म हो जाती है। तो मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ तो हर एक के पास बेपनाह पैसा है, आप किसकी तरफ इशारा करें, खुल के बात करें ना। जैसे मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, ये तो अभी वो जैसे बात हो रही थी कि इमरान खान ने जलसे में थप्पड़ मार दिया, तो ये एक एब्यूसिव किस्म का एटीट्यूड था। इंसान कभी गुस्से में भी हो सकता है, बाप बेटे को भी कभी थप्पड़ मार रिसीव कर देता है अपनी किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। हम लोगों का बेसिकली बुनियादी तौर पर जो एज ए नेशन
बिहेवियर है वो अब्यूजिव बिहेवियर है और जिसका लेकिन कैंडिडेट का पैसों से क्या ताल्लुक है, ये तो आपने नहीं बताया कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है। आपने कहा वोटर की कीमत लग रही है, मतलब आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज करें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से दो बड़े कैंडिडेट्स खड़े हैं, एक पैसे वाला कैंडिडेट है, तो वो दिल्ली की बुनियाद पे या उसकी बुनियाद पे अपने वोटर को 3,000 और 1,000 रुपया देके ये अशोर कर रहा है कि वोट उसी को पड़ेगा। दिस व्हाट यू आर सेइंग? नहीं जैस्मिन, इसको मैं दोबारा इसको रिफ्रेज करता हूं, इसको दोबारा रिफ्रेज करता हूं। ओके, मैं लाहौर से स्टार्ट करता हूं। लाहौर के कैंडिडेट्स, लाहौर में चंद, आई विल नॉट नेम द पर्टिकुलर पर्सन, आप समझिए इस हमाम में सब नंगे हैं जिसके पास पैसा है। लाहौर के कैंडिडेट्स कुछ हलकों में, एक हलका हमने किया, उसके अंदर एक पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। वो कैंडिडेट जो है उसका अगर प्रोफाइल हम टाइमलाइन के ऊपर देख के और जल्दी से क्विक चेक करें उसके 5 साल 10 साल का, तो ही वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी मैन जिसके पास अपनी एक मेहरान थी और जो रोजगार की तलाश में कभी इधर उड़ता फिरता था, कभी उधर उड़ता फिरता था। बट आउट ऑफ द ब्लू 10 साल के अंदर उसकी कायनात ऐसी तब्दील हो गई कि उसके पास माशाल्लाह 10-12 करोड़ की तो सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। अच्छा ठीक, कम से कम 10-12 करोड़। चले ठीक है, हम कैंडिडेट्स पे बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि लाहौर में वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, इस पे बात कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन।